हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मींस काफी सारे लोग होते हैं गाइज जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, बट दे थिंक कि वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज गाइज रिसेंटली सेबी ने काफी सारे रूल्स इंट्रोड्यूस करे हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर, लाइक गाइज रिड्यूस ऑप्शन मार्जिन, रिड्यूस इंट्राडे लेवरेज एटसेट्रा, जिसकी वजह से गाइज आपको ट्रेडिंग में अब हाई मार्जिन नहीं मिलता है और ट्रेडर्स को लगता है कि अब वो मार्केट से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। सो गाइज, इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। दैट मीन्स गाइज, इफ यू थिंक मार्जिन इज द ओनली थिंग विच स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, देन गाइज मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप इजीली मार्जिन के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा सोल्यूशन है। सो गाइज, आर एक्सचेंज हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स, दैट इज गाइज MTF फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसके अंदर गाइज आपको हाई मार्जिन मिलता है जिससे आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से MTF फैसिलिटी के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये क्या है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। गाइज, आज मैं आपको एम स्टॉक बाय मिरार असेट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हो और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए गाइज, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस आप तुरंत देख सके। तो चलिए गाइज, हम वीडियो स्टार्ट कर दें। सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है क्या। सो गाइज, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है फॉर इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसके अगेंस्ट गाइज आपको एक इंटरेस्ट जो है पे करना होता है। अब ये जो इंटरेस्ट है ना गाइज, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर, जो कि आपको अपने ब्रोकर को पे करना होता है जब भी आप उन अमाउंट को यूज करते हैं। दैट मीन्स गाइज, आपको ट्रेडिंग में एक आपकी कैपिटल होती है, दैट मीन्स आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपीज, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं और आप जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी चूज करते हैं तो गाइज उसके अंदर आपका ब्रोकर आपको फंडिंग करता है, दैट मीन्स आपके पास 10,000 रुपीज है, लेकिन आप 50,000 रुपीज तक के भी शेयर परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए गाइज आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है वो अपने ब्रोकर को पे करना होगा। दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेल गाइज, डू यू नो दैट की जो MTF इंडस्ट्री है वो लास्ट 4 ईयर में 6 टाइम का ग्रोथ करी है, दैट मीन्स फ्रॉम 2019 टू 2022 इसमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है, फ्रॉम 4,900 करोड़ टू स्ट्रेट 29,457 करोड़ तक ये इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। गाइज, इस इंडस्ट्री के इतना रैपिड ग्रोथ का रीजन है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस एंड स्टैंडर्ड मार्जिन फॉर ट्रेड बाय द ब्रोकर। यस गाइज, अब बात करते हैं गाइज की एक एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या है आपको ब्रोकर को जो कि पे करना पड़ता है फॉर दिस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, वो है गाइस 14-18% जो कि आपके अपने ब्रोकर को पे करना होता है। बट गाइस, इन एम स्टॉक यू विल गेट वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, आपको सिर्फ 7-10% तक का ही इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। यहाँ पे देखिए गाइस, प्राइसिंग दी हुई है, अगर आप अप टू 10 लाख रुपीज का मार्जिन यूज करते हैं तो गाइस आपको 9.49% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। अगर गाइस आप 10 लाख से 25 लाख तक मार्जिन यूज करते हैं तो आपको 8.99% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, और गाइस अगर आप 25 लाख से अबव जाते हैं तो आपको 7.99% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। सो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इन द इंडस्ट्री। यस गाइस, इसके साथ साथ गाइज एम स्टॉक पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है फॉर दिस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इन एम स्टॉक गाइज यू विल गेट 80% ऑफ द मार्जिन फंडिंग फॉर ट्रेडिंग। यस गाइज, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं फॉर द परचेस ऑफ योर शेयर्स एट अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ एम स्टॉक इज गाइज प्री प्लेज ऑफ योर शेयर्स। यस गाइज, जिसके चलते आपको कोई भी हायर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ता है। इन केस इफ यू फॉरगेट टू प्लेज योर शेयर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी ईजिली मिल जाती है। इसके साथ साथ गाइज एम स्टॉक पे आपको 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी मिलती है विद नो हिडन कॉस्ट। इजंट इट ग्रेट गाइज, अगर आपको इसके 0 ब्रोकरेज के बारे में डिटेल से जानना है तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं उसकी लिंक ऊपर आईकार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। गाइज, काफी सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे करने को बोलते हैं, बट गाइज वो अपने जो ब्रोकरेज होते हैं उसको काफी हाई चार्जेस कर लेते हैं, जो कि गाइज बात एक ही पड़ जाती है। इसलिए गाइज कभी भी आप कोई भी ब्रोकर को यूज कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, हमेशा उसके ट्रांजैक्शंस को देखिए, उनके चार्जेस को देखिए, उसके बाद ही कोई जो है अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। ओके,
ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैंने एम स्टॉक की वेबसाइट ओपन कर ली है। देखिए यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी मिलती है। देखिए जब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको गाइस ये लोग ई मार्जिन बोलते हैं, ये आपको मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का इसमें इंटरफेस आ जाएगा। इसमें गाइस इस फैसिलिटी को समझना और यूज करना दोनों ही बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द लोएस्ट रेट फॉर MTF ट्रांजेक्शंस। यस गाइस, इसमें आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं है फॉर द होल्डिंग पीरियड। इसके साथ आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी भी मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गाइस किस तरीके से आप इस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को अगर एम स्टॉक में यूज करते हैं और अदर ब्रोकर में यूज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे देखिए गाइस, जिसमें लिखा है एक्सपेक्टेड MTF टर्नओवर, मींस गाइस अगर आप देखेंगे तो आप एक महीने के अंदर कितना ज्यादा आप टोटल अमाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको बोलते हैं। तो जैसे गाइस मैं सोचती हूँ 60 लाख होगा, बिकॉज इतना तो हो ही जाता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस फॉर MTF, अब गाइस अगर आप एक दिन के अंदर 5 से 6 ट्रेड लेते हैं और गाइस महीने के अंदर 20 डेज में, तो गाइस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं सोचती हूँ कि 200 तो ट्रेड्स होंगे ही जो मैं लूंगी, मीन्स बाइंग और सेलिंग बोथ में साइड में, ठीक है। अब गाइस करंट MTF इंटरेस्ट रेट आप कितना है, इंडस्ट्री के हिसाब से गाइस वो 12 होगा, ठीक है, जो कि सभी ब्रोकर चार्ज कर रहे हैं, राइट गाइस। अब गाइस आपको यहां पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमने अभी कुछ नहीं करा है। तो देखिए गाइस अगर इस तरीके से आप 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देते हैं तो गाइस अदर ब्रोकर में आपको एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, 5,76,000, जबकि गाइस एम स्टॉक में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 3,83,520 ही होगा। बिकॉज गाइस एम स्टॉक में आपको फैसिलिटी मिलती है लोएस्ट की, दैट इज 7.99 की, जबकि आपको अदर ब्रोकर को पे करना होगा 12% इंटरेस्ट रेट। देखिए गाइस, तो आपका टोटल एक्सपेंस इसमें कितना कम होगा एम स्टॉक में, दूसरे ब्रोकर में अगर आप यूज करते हैं तो कितना होगा। आप ओवरऑल गाइज एक साल में 1,92,480 रुपीज सेव कर सकते हैं, जो कि गाइज एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। अब गाइज एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, दैट मींस कि अगर आप जो है ब्रोकर को चार्जेस भी पे करते हैं, राइट गाइज, ठीक है गाइज। इसके बाद हम ब्रोकरेज देखते हैं, दैट मींस गाइज अगर आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक एस्टीमेट ब्रोकरेज देते हैं 20 रुपीज का, 20 रुपीज बाइंग के टाइम पे, 20 रुपीज सेलिंग के टाइम पे, तो आपने इसमें ब्रोकरेज भी दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है कि आपका 60 लाख रुपीज में से 48 लाख रुपीज आप इजिली फंड करा सकते हैं, ठीक है ना, अक्रॉस 200 ऑर्डर आपका इतना एक एक्सपेक्टेड है, जिसमें गाइज आपको इतना फंडिंग इजिली मिल जाएगी। अब देखिए गाइज मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट क्या है। देखिए गाइज अब अगर आप एम स्टॉक के बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं तो गाइस तो आपको 7.99 का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। मैंने आपसे बोला था कि अबव 25 लाख आपको 7.99 पे करना होता है, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 3,83,520 रुपीज, ठीक है, जबकि गाइज अगर आप दूसरा ब्रोकर यूज करते हैं तो आपको 12.08% स्ट्रेट पे करना होता है इंटरेस्ट रेट। आपका देखिए एनुअल इंटरेस्ट रेट भी, आई मीन टू से एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 5,76,000 का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस है गाइज, आप एक साल के अंदर 1,96,480 रुपीज गाइज ओवरऑल सेव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग में हम जितना भी अर्न करते हैं उसका सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है एक्सपेंसेस का, बिकॉज गाइज ब्रोकर को एक्सपेंसेस देते देते बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए आप इतना सेव कर सकते हैं। अब गाइज सोचिए कि कई सारे लोग होते हैं जो कि आपको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी पे करते हैं फॉर MTF फैसिलिटी। जैसे देखिए गाइज हम सोचते हैं कि वो आपसे 10,000 रुपीज का ही सब्सक्रिप्शन पे करवाते हैं, ठीक है। अगर गाइज इस तरीके से आप अगर सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी पे कर रहे हैं, साथ में ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं, तो देखिए गाइज अब आपका जो टोटल एक्सपेंस था वो और बढ़ गया, दैट इज गाइज 5,90,000। यस गाइज, एंड गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एम स्टॉक पे आपको जीरो ब्रोकरेज और कोई भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट पे करना होता है, वो भी काफी कम रेंज में, दैट इज गाइज ओनली 7.99% का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होता है। तो देख रहे हैं गाइज किस तरीके से अगर आप एम स्टॉक के बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना ज्यादा हाई बेनिफिट होता है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज तक आप सेव कर सकते हैं गाइज। इसके देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है वॉट इज ई मार्जिन, दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। देखिए गाइज यहाँ पर आपको इंक्रीज रिटर्न पोटेंशियल हो जाता है, बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट, इंक्रीज परसेंटेज रिटर्न ऑन द कैपिटल,
यहाँ पे देखिए गाइस 12 रीजन दिए कि क्यों आपको एम स्टॉक यूज करना चाहिए। यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही देखिए, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं देना, जबकि दूसरे ब्रोकर सब्सक्रिप्शन करते हैं। आपको गाइस फंडिंग भी 80% तक मिलती है, जहां पर आपको 50 और 70 मिलती है। गाइस आप यहाँ पर 700+ स्टॉक में इजीली फंडिंग ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे देखिए आपको होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड मिलती है, जबकि सारे ब्रोकर आपको 1 साल तक की वो देते हैं। यहाँ पे गाइस आपको जो प्लेज के चार्जेस है वो ओनली 12 रुपीज लगते हैं, जबकि अदर ब्रोकर में 29 लगते हैं। यहाँ पर आपको प्री प्लेजिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको प्री प्लेजिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट तो काफी कम है ही। तो गाइस देख रहे हैं कि किस तरीके से आप एम स्टॉक को यूज कर सकते हैं, इसमें मार्जिन ट्रेडिंग के कितने आपको हाई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। देखिए अप टू 10 लाख, ये मैंने आपको डिटेल से पहले ही बताया था कि कितने चार्जेस आपको लगते हैं। देखिए 0 ब्रोकरेज है, 3 क्लिक प्रोसेस में सिंपली ट्रेड क्लिक हो जाता है, आप इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन डेट अमाउंट देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करना है, उसके अंदर जनरली आपको एक क्वांटिटी डालना है, आपको अपने शेयर को प्लेज करना है, और सिंपली आप यहां पर प्लेज ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 3 क्लिक के अंदर आपको आपकी जो मार्जिन ट्रेडिंग है, आपको जो मार्जिन फंडिंग है वो इजीली आपके अकाउंट में मिल जाएगी। तो गाइस देखा किस तरीके से आप इजीली एम स्टॉक के बेसिस में ट्रेडिंग कर सकते। बट नाउ गाइस द बेसिक क्वेश्चन कि क्यों हमें एम स्टॉक ही चूज करना चाहिए एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस। गाइस सिंपल है, जो एम स्टॉक है वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लेड ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है बाय मिरार असेट, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो कि गाइस मैनेज करता है $600 बिलियंस ऑफ क्लाइंट असेट्स वर्ल्ड वाइड। एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप सिर्फ 999 रुपीज प्लस GST के साथ किस तरीके से एक लाइफ टाइम का 0 ब्रोकरेज ले सकते फॉर ऑल योर इंट्राडे FNO ट्रेड। सो देखा गाइस किस तरीके से एम स्टॉक में आपको कितनी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, जो कि दूसरे ब्रोकर के पास आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे गाइस आपको सिंपली 0 ब्रोकरेज मिलता है विद नो हिडन कॉस्ट। यहाँ पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं करना है। इसके अलावा गाइस 3 सिंपल क्लिक में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, सभी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। गाइस एम स्टॉक की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से आज ही इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। गाइस इनकी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।